गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आज हम अपनी एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दो क्लॉक्स दिख रही हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है वो एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक जाने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लेती है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर ये 4 पे है, 4 से 5 पर आने के लिए ये 5 मिनट्स का टाइम लेगी, 5 से 6 पर आने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लेगी, यानी कि हर डिजिट में जो गैप होता है वो 5 मिनट्स का होता है। तभी देखिए, अगर 1 पे होती है तो हम बोलते हैं ना 5 1 5, ये कितना है 2, तो टाइम हो रहा है 2 5। 10 पे है तो 5 2 10, टाइम इज 2 10। अगर देखिए 4 पे है तो 5 4 20, टाइम इज 2 20। यानी कि ये जो डिफरेंस है एक डिजिट पे दूसरे डिजिट पे आने का, वो होता है 5 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है आर हैंड, यानी कि ये शॉर्टर हैंड जो है, ये हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर आने के लिए पूरा 1 आवर लेती है, 1 आवर लेती है यानी कि 60 मिनट्स लेती है। अगर ये 1 से 2 पे आ रही है तो ये लेगी 1 आवर, ठीक है। अगर देखिए 12 से 1 पे आई तो ये लेगी 1 आवर। अगर ये 12 से 2 पे आएगी तो देखिए यहाँ पे 1 2, ये लेगी 2 आवर्स। 12 से 3 पे आएगी तो 1 2 3, तो ये लेगी 3 आवर्स। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, द आर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 2 to 4। आर वाली हैंड है वो 2 से 4 पे आने के लिए, 2 से 4 पे आने के लिए कितना टाइम लेगी, यहाँ पे देखिए 1 2, कितना टाइम लेगी 2 आवर्स। सेकेंड देखिए, मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम 2 to 4। मिनट्स हैंड 2 से 4 पे आने के लिए कितना टाइम देगी लेगी, देखिए 5 मिनट्स और ये 10 मिनट्स। 1 2, 2 डिजिट क्रॉस करेगी तो 5 2 10। आर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव 1 to 5। आर वाली हैंड है वो 1 से 5 के बीच में आएगी तो देखिए 1 2 3 4, टाइम लिया इसने 4 आवर्स का। मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट टू 1 to 5। अगर मिनट हैंड जो है 1 से लेकर 5 पर आएगी तो देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस की तो 5 4 20 मिनट्स। आर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू 3 to 9। 3 से 9 पे आने के लिए कितना टाइम लेगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आवर्स।